तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अच्छा ही होगा। तो यार आज बॉक्सिंग मैच होके हटा है एंथनी और डैनियल के बीच में, और ये मैच था भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। खतरनाक मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मैच को देखने के लिए भाई बड़े से बड़े सेलिब्रिटी और बॉक्सर्स आए हुए थे। कॉनर मैकग्रेगर बड़ा शॉकिंग रिएक्शन दिया उन्होंने इस मैच को, तो वो एंथनी के फ्रेंड हैं तो जाहिर तौर से उनको भी शॉक लगा होगा और सारे वर्ल्ड को एक शॉक लगा है एक तरह से, क्योंकि सारे सोच रहे थे भाई कि भाई एंथनी जो है इस मैच को जीत जाएंगे। जैसे कि उन्होंने फ्रांसिस को नॉकआउट कर दिया था पिछले मैच में, उनको लगा था भाई डैनियल जो है उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो डैनियल ने भाई आज प्रूव किया है कि कैसे साइलेंस जो होता है वो बेटर होता है लाउडनेस से। और पहले ही राउंड में अगर मैं बात करूँ तो जो एंथनी थे वो बहुत ज़्यादा फास्ट मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी एग्रेसिवनेस दिखा रहे थे, लेकिन आपको पता है बॉक्सिंग जो है भाई एक पेशेंस वाली गेम है, आपको टाइमिंग और सही गैप ढूंढना पड़ता है, और डैनियल ने वही गैप ढूंढ लिया और पहले ही राउंड में उन्होंने भाई बहुत ही अच्छे तरीके से एंथनी को नॉक डाउन कर दिया। नॉक डाउन करने के बाद भाई उनका रिएक्शन देखने वाला था, और सारे के सारे बंदे जो कि उस स्टेडियम में आए थे वो हिल चुके थे। तो सेकेंड राउंड जैसे तैसे एंथनी ने सरवाइव कर लिया था डैनियल से। थर्ड राउंड के अंदर भाई जो एंथनी की हालत हुई है, मुझे लगता है कि भाई वो डैनियल अपने कैरियर की हाइलाइट्स में उस राउंड को लगा सकते हैं। जिस तरह से वो बचे थे बार बार थर्ड राउंड में, भाई रिंग बेल ने उनको बचा लिया था भाई। अगर रिंग बेल ना होती तो शायद वो उसी राउंड में ख़त्म हो जाते। तो भाई फोर्थ राउंड भी कुछ ऐसा ही रहा था, ठीक है। एंथनी ट्राई कर रहे थे लेकिन भाई उनसे वो गैप नहीं ढूंढ पाए, और वो बेसिक जो होता है वो कर रहे थे। अपनी तरफ से तो वो पूरी ट्राई कर रहे होंगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनका खुद का होम टाउन था वो, और जैसे कहते हैं 2 लाख बंदे थे वहाँ पे भाई। इसके अलावा इस फाइट में भाई जो कॉनर मैकग्रेगर थे उनकी एंट्री भाई देखने वाली थी, जैसे एक माफिया बॉस आता है वैसे उनकी एंट्री हुई थी, और टाइसन फ्यूरी भी इस फाइट में थे। और इसके अलावा जब हम आखिरी राउंड की बात करें, जी हाँ, आप सबने उसकी हाईलाइट तो देख ही ली होगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे हाईलाइट चला नहीं सकता लेकिन इमेजेस लगा सकता हूँ। तो जैसे ही फिफ्थ राउंड हुआ तो फिफ्थ राउंड के अंदर भाई एंथनी को डैनियल ने पंच किया, एंथनी ने वही मिस्टेक की, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, वो फास्ट हो गए, और उस फास्टनेस की वजह से डैनियल ने वो गैप ढूंढ लिया और उनको फाइंड करके उनको नॉकआउट कर दिया भाई। और अब अगर हम कहें इस राउंड के अंदर भाई एंथनी जब नॉकडाउन थे तो सारे उम्मीद कर रहे थे कि भाई वो खड़े हो जाएंगे, लेकिन तभी रिंग में एक वाइट टावल गिर जाता है। वाइट टावल गिरने का मतलब है कि भाई उन्होंने गिव अप कर दिया है, वो उन्होंने मैच दे दिया है डैनियल को, और डैनियल ने भाई बहुत ही कमाल तरीके से इस मैच को जीता है और सारे लोगों के दिलों को जीता है। और एंथनी को इस मैच से सीख मिली है कि भाई वो कैसे हम्बल रहें, क्योंकि इस मैच के पहले भी उनका जो फेस ऑफ हुआ था तो एंथनी बहुत ज़्यादा मतलब उनसे रूडली बात कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो एंथनी को भी इस मैच से सीखने को मिला, और डैनियल को भाई मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया जो है बॉक्सर हैं उनके कैरियर में, उनके ज़्यादातर आई थिंक 21 में से 20 फाइट्स उन्होंने नॉकआउट से जीती हैं, अभी ये 21वीं होगी, ठीक है। उसके बाद उनकी 2 लॉसेज हैं जिसमें एक वो नॉकआउट से हारे हैं, एक डिसीजन से हारे हैं। तो बहुत ही अच्छे बॉक्सर हैं और बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं कि फ्यूचर उनका वेट कर रहा है, और मैं तो ख़ास तौर से भाई उनको आगे देखना चाहूँगा कि वो उनकी फ़ाइट किससे होती है। तो लेट्स सी। तो इसके अलावा भाई UFC की भी हम बात करेंगे, तो आने वाला जो मंथ है भाई अक्टूबर का, वो एक UFC मंथ होने वाला है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फाइट्स होने वाली है। सारी फाइट्स हम देखेंगे और रिव्यू करेंगे। हमजात आने वाले हैं, मे बी क्या पता आ जाएं। मैं और सारे लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस बार तो भाई आ ही जाएंगे, उनको जो है ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। और उसके अलावा इलिया टिपोरी और मैक्स हॉलोवे मोस्ट अवेटेड फाइट ऑफ द ईयर, और वो भी होने वाली है, ठीक है। और कॉनर मैकग्रेगर का रिटर्न जो है वो 2025 में चला गया है, देखते हैं भाई वो आते आते कितना टाइम लगाते हैं, उनको बहुत सारा
जो है क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, और टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और उसके अलावा जो उनके फेवरेट फाइटर थे फाइट करने को, माइकल चैंडलर, उनकी भी फाइट चार्ल्स ओलिवेरा से होने वाली है भाई अक्टूबर के महीने में, तो वो भी फाइट कमाल की होने वाली है। तो उस फाइट को लेकर मैं कहूँगा कि भाई चार्ल्स का बहुत ही ज़्यादा अपर हैंड होगा इस फाइट में। चार्ल्स की जो प्रीवियस फाइट थी अरमान के साथ, मैं कहता हूँ कि भाई चार्ल्स जीत जाते अगर दो राउंड और होते। और अरमान की जो है इस्लाम के साथ फाइट अभी दिसंबर में कह रहे हैं कि हो जाएगी, उसमें आपको सभी को पता है अगर मैं बेट भी लगानी हो उस फाइट पे तो मैं इस्लाम पे लगाऊंगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि अरमान अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई इस्लाम जो है ना वो भाई, तो इस्लाम का लेवल कुछ अलग है भाई लाइट वेट से, तो उनका हार्ड वर्क भी है। तो इसके अलावा आपको आने वाली वीडियोस में और बातें पता चलेंगी। तो थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए, और बहुत ही बढ़िया मैच था भाई, आप सभी एक बार ज़रूर देखें ये सारा का सारा मैच, ठीक है, इसकी हाइलाइट्स देखें, और सारे मैच ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे। थैंक यू सो मच।